वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ अमनीश शर्मा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस इन दिनों अपराधियों का काल बनी हुई है। अपराधियों को घर से निकाल निकाल कर बीच सड़क पर इनकाउंटर किया जा रहा है, फिर चाहे अपराध हत्या का हो, रंगदारी का हो या फिर गौ तस्करी का, किसी भी अपराधी पर रहम नहीं किया जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी का यही आदेश है कि किसी भी अपराधी पर रहम न करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप उठे। इस बीच एक ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पुलिस की गुरुवार को गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। और मुठभेड़ में हैरानी की बात यह है कि बदमाशों को एक जगह पर पैर में घुटने के बीच में गोली लगी। अब ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और, ये तो पुलिस ही जाने। फिलहाल मुठभेड़ में घायल 7 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि गुरुवार को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई थी, और इस मुठभेड़ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 गौ तस्कर पुलिस की गोली का शिकार हुए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मौके से गौकशी में जुटे 2 लोग फिलहाल के लिए फरार हो गए हैं। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचे और धारदार हथियार भी बरामद किए गए, जिसका इस्तेमाल वो गौकशी के लिए करते थे। इस मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भेटा हाजीपुर इलाके के पास एक गोदाम में मवेशियों के कटान का काम चल रहा था। सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस गोदाम पर पहुंची तो कुछ लोग वहां मवेशियों की कटान का काम कर रहे थे। वहीं पुलिस फौरन हरकत में आई और बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने अपने आप को घिरा देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर 7 राउंड फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में करीब 13 राउंड फायर किए। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में मुस्तकीम, सलमान, मोनू, इंतजार, नाजिम, आसिफ, इन सबके समेत 7 लोग जो हैं वो घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वही मुठभेड़ के दौरान भूरा और दानिश मौके से भागने में कामयाब रहे, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस इनकाउंटर से ये तो साफ हो गया है कि अपराध के खिलाफ योगी सरकार और यूपी पुलिस सख्त से सख्त कदम उठा रही है, और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो महज एक शुरुआत है, अभी तो गुंडे बदमाशों के इनकाउंटर की कतार लगने वाली है। आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।